तो भाई अब जो है सामने दुआ हो रही है यहाँ पर अम्मी और हाइम खान भी दुआ कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू आ रही है। मैंने बनाया है कल के लिए कोफ्ते, बना रही हूँ मैं कल के लिए। क्या बना रही हूँ? रुक की चीज़ें थी वो ले रही है। अब अम्मी जो है ना हाइम परिसर के लिए रुकी हुई है, तो वो जो है चेकिंग कर रही है सारी चीज़ें। अभी पता है छोटे छोटे बच्चे आने वाले हैं, अगर पता कौन होंगे वो अल्लाह का नाम लेंगे हमारे घर पे। अस्सलामुअलैकुम। तो जी आ गए अपने घर पर और स्टार्ट करते हैं अपना घर का व्लॉग। तो जी मैं आई हूँ और अम्मी ने बताया कि भाई कुरान खानी का प्रोग्राम रखना है हमने कल के दिन इंशाल्लाह, तो कल की कुछ तैयारियाँ करनी है आज के दिन हमें। तो पहले अभी फ़िलहाल मैं और अम्मी जाएंगे कुछ चीज़ें वीज़ें लेनी छोटी मोटी जो कि होती हैं, लेडीज़ प्रॉब्लम है सबको पता है होती है, कुछ घर में इवेंट होता है तो लेडीज़ को तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो मैं और अम्मी लेने के चलते हैं और फिर जो भी होगा वो तो व्लॉग में देख ही लेंगे आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का। ओए मेरा नंगू पंगू, नानी करने जा रहे हो? अरे भाई चलो नानी नानी करो, फ्रेश हो जाओ ठीक है। अरे एक मुन्ना मेरा यहाँ बैठा है, एक मुन्ना मेरा वहाँ बैठा है, क्यों भाई? भाई आंटी जो है वॉशरूम वॉश कर रही है, तो ये दोनों को वेट करना पड़ रहा है, ऐसे ही जी? ओके जी। कहाँ से ना हमने खा लिया, अभी भी जो है ना हम बचा के लेके जा रहे हैं, तो अब चलते हैं कुछ सामान वामान जो हमें लेना है, जो फटाफट से निकलते हैं। तो जी एक हाथ दो और एक हाथ ले लो। भाई हमने हमारी जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले ली, अब अम्मी जो है ना हाई परिसर के लिए रुकी हुई है, तो वो जो है चेकिंग कर रही है सारी चीज़ें। खुशबू आ रही है। मैंने बनाया है कल के लिए कोफ्ते, बना रही हूँ मैं कल के लिए। क्या बना रही हूँ? राइस। अरे मैं कह रही हूँ मैं कोफ्ते बना रही हूँ, आप कह रही हूँ मैं राइस बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ मैं? कोफ्ते। कोफ्ते। ये चीज। तो जी ये जो है हमारा कल के लिए कोफ्तों की प्रिपरेशन हो रही है सारी। तो टाइम पर्ची का वेट कर रहे हैं और दोनों के दोनों जो ना रोटी लेने के लिए गए और हमें बेइंतहा भूख लगी हुई, तो हम ऐसी मस्तियां कर रहे हैं और यहाँ पे खड़े होकर तुम कर क्या रही हो? टाइम पर्ची का वेट कर रही हूँ। वेट करो, चलो जल्दी आ जाओ, भूख लगी हुई टाइट किस्म की है ना, टाइम पर रोटियाँ लेकर तो आए। हाँ तो वही वेट करते हैं ना जब तक जो है। भाई यहाँ पर अम्मी के लिए दूध भी बॉयल हो रहे हैं। अरे भाई वेलकम वेलकम वेलकम, हमारी रोटियाँ कहाँ हैं? अरे ये रोटियाँ हम खाने में आज ये खाने वाले, ये रोटियां हैं हमारी हैं, रोटियां कहाँ हैं? मलेशिया में भूख लगी है। अरे रोटियां, अरे ये रही हमारी, चलो पकड़ो शहजादी जल्दी काम पे लगो। आपने मुझे कोई टॉफी भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया आपने मुझे, क्या लाए मेरे लिए? मुझे क्या पता, मैं देखूंगी तो बता सकती हूँ क्या है इसमें। ढूंढते हैं इसमें है जेली। खाना नहीं खाएंगे आप? ये खाएंगे हैं, 24 घंटे चीजें, 24 घंटे चीजें, सबसे चीजें लेते रहते हो। अच्छा खाने के बाद पक्की बात है। ओके ओके। तो जी आ गए हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट इवेंट डायरेक्ट एकदम, क्योंकि उस वक्त बहुत बिजी थे, बहुत थक गए थे, तो मैंने कहा भाई कल से व्लॉग स्टार्ट करेंगे, आज के दिन व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हमारा दिन आ गया जो हमें कुरान खानी करनी, और मौसम बड़ा बेहतरीन हो रहा है, मेरी आंखें पूरी पूरी खुल रही हैं, देख रहे हैं आप लोग, धूप है ही नहीं भाई, पूरी पूरी रोशनी है। सो अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और नीचे चलते हैं, और हमारे हम लोगों ने जो है ना बच्चों को बुलवाया था, तो बच्चों के लिए कुछ खाने वाने की तैयारी शुरू कर। ये कोफ्ते रेडी हो गए थे, तो जी यहाँ पर जो है हमारी कोफ्तों की तैयारी चल रही, उसके बाद यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पर जो है इसका मसाला बढ़ रहा है। तो जी ये सारा सामान आ गया, अभी अम्मी आएंगी सूजी वाला हलवा बनाने के लिए। अरे मेरा मुन्ना उड़िया, कब उठे आप? अभी अभी उठे, उठते साथ मोबाइल। भाई ऐसे नहीं करते, पहले नाश्ता वाश्ता करते फिर मोबाइल यूज करते। भाई साहब आपको पता है अभी कौन आने वाले सारे? अभी पता है छोटे छोटे बच्चे आने वाले हैं, आपको पता है कौन होंगे वो अल्लाह का नाम लेंगे हमारे घर पे, पता है? आप मिलेंगे उनसे, फिर आप फटाफट से उठ जाएं, या फ्रेश होंगे या सही इसी कपड़ों में बैठेंगे।
इसी कपड़ों में बैठोगे भाई, फ्रेश फ्रेश हो जाओ, सही है जब तक बच्चे आ रहे, फ्रेश हो जाओ आप। ओके मम्मी जो है यहाँ पे सूजी का हलवा बना रही है सबके लिए। तो भैया अब जो है सामने दुआ हो रही है, यहाँ पर मम्मी और हाइम खान भी दुआ कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके जी, तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घर की कुरान खानी जो हमने घर में रखी थी छोटी सी, और ये ज़्यादा बेस्ट रहता है कि वो आते हैं और फटाफट से पढ़ लेते हैं और जल्दी जल्दी माशाल्लाह से तिलावत हुई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुआएं भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो गया सब, तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने, और कल है हमारे घर पर दावत इंशाल्लाह, तो कल के व्लॉग में मिलेंगे आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।